जहां पर लॉकडाउन पीरियड में कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे राशन विक्रेताओं को पिछले 3 महीने का कमीशन नहीं दिया गया है, जिसके चलते इनके सामने अब भुखमरी की नौबत आ गई है। विक्रेताओं ने राज्य शासन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। विक्रेताओं का कहना है कि राज्य शासन के निर्देश के बाद 3 महीने का राशन निःशुल्क वितरण किया गया है, जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 2019-20 के खाली बारदाने के भी उन्हें पैसे अभी तक नहीं दिए गए हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर पीडीएस विक्रेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पिछले 4 महीने से जब से कोरोना काल चालू हुआ है, हमारा कमीशन हमको प्राप्त नहीं है, क्योंकि राशन मुफ्त में बांटने का आदेश था और शासन के निर्देशानुसार हम राशन वितरण कर रहे हैं, पर अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हम खुद भूख मरने की नौबत में आ गए। तो वो गरीब जो जनता है उसके भरण पोषण के लिए शासन ने फ्री में राशन बंटवा दिया, परंतु जो राशन विक्रेता है वो भी गरीब तबके से आते हैं और उसके कमीशन की राशि सरकार ने अभी तक मुहैया नहीं कराया है। कीमत होती थी उसी में कमीशन मिलता था और ये नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में वो कहते हैं कि हमको अलग से इसमें कमीशन दी जाए, शासन से मांग कर रहे हैं। तो ये उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, मैं इसको चूंकि राज्य स्तर का ये है और इसलिए शासन से भेज दी जाएगी और वहां से जो निर्णय होगा वो उनको अवगत कराई जाएगी। राजधानी की सामाजिक कार्यकर्ता